तो आज की हमारी इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पिवट टेबल। हमने लास्ट क्लास में शॉर्टकट फिल्टर करके होम मेनू बार को मैंने खत्म कर दिया था, तो आज हम बात करेंगे एक्सेल में पिवट टेबल की। और पिवट टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, सो इसको थोड़ा सा स्लोली सीखिएगा, क्योंकि आपकी तकरीबन 60-80% रिपोर्ट्स को पिवट टेबल बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ऐसा क्यों? तो चलिए हम बात करते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। आखिर रिपोर्ट होता क्या है? रिपोर्ट होता है समरी ऑफ द डेटा। किसी भी डेटा को किसी न किसी एंगल के ऊपर हम समरी करते हैं, तो वो समरी ऑफ द डेटा होता है, राइट? पिवट टेबल का भी काम है कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। डेटा को किसी न किसी एंगल पे एनालाइज करना, समराइज करना और उसको रिप्रेजेंट करना हमारा पिवट टेबल का काम है। सो पिवट टेबल वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए हम पिवट टेबल आपके साथ सीखते हैं आज की इस क्लासेज में। तो सबसे पहले इस चीज को जानिए, पिवट टेबल को यूज करने से पहले हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना होगा। तो अगर आप पिवट टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले समझना होगा डेटा को कि आपका डेटा क्या है, राइट? तो डेटा को जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर करना क्या है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं? बस बढ़िया, बताओ। अभी भेजा आपने मैसेज, ज्वाइन कर लिया। एक रिकॉर्डिंग हो दो ना इसका। एक ठीक है, चलिए। क्या करवा रहे हो आज? पिवट टेबल है सर। जी जी। तो पिवट टेबल की ये जो हमारी क्लास है, इसमें डेटा को समझिए। तो मेरे पास सिंपल एक एक, एक मान लीजिए स्कोर का डेटा है, जिसमें हमारे पास नेम है, सिटी है, सब्जेक्ट है, मोड है, स्कोर है और किस साल का स्कोर है, ये दिया हुआ है। तो डेटा को समझ के अब पिवट टेबल को लगाने से पहले क्या डेटा को सिलेक्ट करना है या नहीं, सर वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर। अगर डेटा में बिल्कुल आपका ब्लैंक रो है, ये आपका ब्लैंक रो है, तो डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिना सिलेक्ट किए हुए नहीं होगा। सॉरी, क्या खुल गया? क्योंकि आप अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये कंट्रोल ए पे चलेगा और ये क्या करेगा, ये आपका इससे ऊपर का जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग दे देगा। सो पिवट टेबल यूज करने के लिए डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी है, जब अगर आपका डेटा में कोई ब्लैंक पूरा का पूरा वो ब्लैंक है। तो अगर आपने सिर्फ एक किसी एक सेल में लिख दिया फिर भी आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरी रो ब्लैंक होने पे सिलेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, और उसके बाद पिवट लगाने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपका डेटा क्या है। डेटा को देखना भी जरूरी है। तो मेरा जो डेटा है, ये डेटा आप देख रहे हैं एक स्कोर का डेटा है, और उसके अंदर जो हेडिंग है वो हेडिंग है। अब किसी डेटा में हेडिंग ना हो तो पिवट टेबल आपका सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। सो आपके पास डेटा होना जरूरी है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में पिवट टेबल। पिवट टेबल से पहले एक आपका रिकमेंडेड पिवट टेबल आता है। ये क्या करता है, आपको डेटा को देखता है और डेटा को देखने के बाद हमें रिकमेंड करता है कि इस डेटा पे कितने किसी तरह के पिवट लग सकते हैं। अगर आपके आपको अगर इसके अकॉर्डिंग कोई है पिवट के बारे में, ये ऑप्शन उनके लिए जिनको पिवट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है,
वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपको जरूरत है तो इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पिवट टेबल पे जाएं और डायरेक्ट यहां पिवट टेबल आप लगा दें। तो जैसे कि जैसे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे, कुछ और सिलेक्ट करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, बाकी के ऑप्शन हम आगे क्लासेस में बताएंगे आपको। तो ओके करते हैं, आपकी एक नई सीट ऐड होगी, उसमें आपका ये डेटा पिवट का जो आउटलाइन है आउटलेट वो आपको आ जाएगा, इंटरफेस आपको आ जाएगा। ये आपका पिवट एरिया है, रिपोर्ट एरिया इसको कह सकते हैं, और ये आपके फील्ड लिस्ट है। तो मैंने आपको इसलिए बोला था कि हेडिंग होना जरूरी है, क्योंकि आपका पिवट हेडिंग के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। अगर हेडिंग नहीं होता तो पिवट लगता ही नहीं, और अगर लग भी गया कई सारे रीजन में लग जाता है, तो यहाँ पे फील्ड वन फील्ड टू होता तो समझ में कुछ आता नहीं गया कि क्या है। अब पिवट तो हमने लगा लिया, अब मुझे पता ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें क्या निकालना है। तो हमें बस ये निकालना है कि सिटी वाइज जो सिटी है वो सिटी वाइज कितने लोग एनरोल हुए हैं, किस साल में, किस सिटी में किस साल में कितने एनरोल हुए हैं। तो पहले हम सिटी वाइज एनरोलमेंट निकालते हैं। तो सिटी को हमने रो में रख दिया, अब यहां रो में ही क्यों रखें, हम इसको कॉलम में या फिल्टर में या वैल्यू में रखें। तो अगर रो में रखते हैं तो रो वाइज आपकी लिस्ट आता है। लिस्ट क्या है, अब देखिए आपके डेटा में आपकी सिटी कई बार, बट पिवट ने आपको सिर्फ एक बार भी दिया है, ये आपका रिपीटेड नहीं। ओके, तो अगर आप सिटी को यहां रखते हैं तो आपका डेटा इस तरह से रो बाई जाएगा। अगर मैंने इसको कॉलम में रख दिया तो मेरा डेटा कॉलम बाई जाएगा। फिल्टर होगा तो फिल्टर लगेगा। तो फिलहाल तो हमें लिस्ट डेटा चाहिए, तो हमने यहां पे रख दिया। और कितने एनरोलमेंट हुए हैं, तो उसके लिए नेम को उठा के वैल्यू में रख दिया, तो इसका काउंट निकाल देगा। तो जो फील्ड को काउंट सम ऐसे कैलकुलेशन करना है उसको हम वैल्यू में ही रखते हैं। तो आपके सामने काउंट डिफॉल्ट काउंट दे दिया या सम देता है। सम कब देता है, जब आपके जो फील्ड था जिस फील्ड को आप अपने वैल्यू फील्ड में रखा है उस फील्ड के कॉलम के अंदर में अगर नंबर है तो सम आएगा, टेक्स्ट है तो काउंट आएगा। तो हमारे पास ये आपका डेटा बन गया। अब मुझे इस क्योंकि इस तरह से रिपोर्ट तो नहीं भेज सकता, तो मैं यहां पे इसको फिल्टर कर सकता हूं, मतलब इसको चेंज कर सकता हूं। रो लेवल की जगह पे मैं यहां पे सिटी कर दिया और यहां पे मैं कर दिया एनरोल, इस तरह से बना सकते हैं। अब इसकी बात होती है फॉर्मेटिंग की। तो इसकी फॉर्मेटिंग अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो दिक्कत है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग करते हैं ना, हम में जाते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग अपनी कर देते हैं, तो ऐसे अगर फॉर्मेटिंग करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत है। तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें पिवट टेबल में डिजाइन के ऐप में जाके यहां से सिलेक्ट करना होगा। अब क्वेश्चन आता है कि हम नॉर्मल फॉर्मेटिंग क्यों नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए कि अगर नॉर्मल फॉर्मेटिंग आप करते हो तो उसकी लिंक आपके पिवट के साथ नहीं होती है। अभी डेटा मान लीजिए 12 थे, कल चेंज होकर 14 चला गया, 15 चला गया, कॉलम बन गया, तो आपकी फॉर्मेटिंग नहीं इंक्रीज या डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि फॉर्मेटिंग को क्या लेना देना है कि आपका डेटा कितना कमा और ज्यादा हुआ, पिवट से लिंक तो नहीं है। बट डिजाइन में आप जाते हैं तो पिवट से लिंक कर देता है आपकी फॉर्मेटिंग को, तो क्लिक डेट में आपकी फॉर्मेटिंग बढ़ती है घटती है तो यहां पे आप यूज कर सकते हो। अब इसमें से कोई पसंद नहीं है आपको तो न्यू पिवट टेबल स्टाइल पे आप चले जाए और आप यहां फॉर्मेट पे क्लिक करें और अपनी फॉर्मेटिंग खुद बना लें। जैसे कि हमने यहां पे बॉर्डर पे गया और हमने एलिया एलिया हमने बॉर्डर कर दिया। ये आपका होल्ड पिवट टेबल में इस तरह का आएगा। यहां पे फिल्टर लेवल, फिल्टर वैल्यू, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट हिडर सेल। तो
तो इस पे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं इसका अपना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ग्रांड टोटल कॉलम, इसकी फॉर्मेटिंग में हमने क्या किया कि एक डबल लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ नीचे में, और बीच में इसमें बीच में आपका ए लाइन रहेगा, और इसको हम बोल्ड बोल्ड तो है ही है, बोल्ड कर देते हैं, यानी कलर नो कलर फॉन्ट में बोल्ड कर देता हूँ। तो इस तरह से हमने अपना फॉर्मेट डिजाइन कर लिया एंड ओके करते हैं। तो यहां पे अपना मैं सेलेक्ट करता हूं, तो इस तरह का आपका आ गया, जो हमने सेलेक्ट किया था वही हमारा आया। तो इस तरह की फॉर्मेटिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, जो चाहिए आपको, जो आपके सुटेबल है। अब इसके ऊपर अगर चार्ट को चाहिए आपको तो चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं आप, यहाँ पिवट टेबल डिजाइन से ही ले सकते हैं पिवट चार्ट, या भी इंसर्ट पे जाके चार्ट नॉर्मल से लेते हैं वो भी लेते हैं तो भी पिवट चार्ट ही कहलाता है। तो इस तरह से आपका रिपोर्ट पिवट टेबल से तैयार हो गया, जनरली हम यही तैयार करते हैं। अब चलिए कुछ और डिफरेंट हम पिवट टेबल लगाते हैं, जिससे आपको पिवट टेबल लगाने की थोड़ा सा आइडिया। हमने क्या किया, सिटी वाइज ईयर वाइज चाहिए, तो हमने ईयर को रखा कॉलम में और फिर हमने नेम को यहाँ रखा, तो हमारे पास रिपोर्ट्स आपके सामने दिख गया, ईयरली रिपोर्ट्स आ गया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी इसमें रो कॉलम लेवल में डालिएगा, मैं ईयर को हटा के मान लीजिए मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ, तो ये मेरे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट को छोड़िए मैं डाल देता हूँ मान लीजिए मोड डाल देना है हमें, तो ये हमारा मोड है। ऐसे आप अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट चीजों को डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कॉलम में फील्ड किसी फील्ड को डालते हैं तो फील्ड के जो आइटम है उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम होना चाहिए। अगर क्वांटिटी ज्यादा हुआ तो दिक्कत क्या होगा कि आपका ये हॉरिजॉन्टल जो है बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा, जिसको प्रिंट करना थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं प्रिंट करना, उसको एक पेज में व्यू करना, ये थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसलिए आप जब भी पिवट टेबल लगाएं तो कॉलम में जो फील्ड आप रखेंगे उसका इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अब जैसे कि यहां अगर मान लीजिए मेरे पास लिस्ट ऑफ डेटा ज्यादा है फिर भी मुझे दिखाना है तो कॉलम में ना रखेंगे तो कहां रखेंगे, मैं यहां सब हेडिंग बना सकते, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट को लिया और यहां पर डाल दिया, इस तरह के हमारे सब हेडिंग बन गए। इसमें एक फायदा भी है, जैसे बहुत बड़ा डेटा है तो ये छोटा आप देखिए आपका इस तरह से, तो यहां हम आते हैं इसमें कोलैप्स और एक्सपेंड होता है, तो इस तरह से कोलैप्स और एक्सपेंड भी हम कर सकते हैं, इसका भी एक बेनिफिट है, लेकिन ये तभी काम आएगा अगर आप किसी को रिपोर्ट एज ए पिवट टेबल भेजते हैं तो। अगर आपने किसी को रिपोर्ट कॉपी पेस्ट करके भेजा तो उस समय फायदा इतना नहीं आएगा, और एक और दिक्कत होगी, जैसे कि हमने मान लीजिए इसको कॉपी किया, कॉपी करके मान लीजिए कहीं पे मैं इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, जनरली वैल्यू पेस्ट ही करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सिटी कौन सा है और मेरा सब्जेक्ट कौन सा है, सो मैं चाहता हूं कि मेरा जो रिपोर्ट बनाए बने मेरा जो रिपोर्ट बने वो कैसा बने, कि एक कॉलम में मेरा मेरे पास सिटी हो, दूसरे कॉलम पे मेरा सब्जेक्ट हो, और तीसरे कॉलम पे काउंट ऑफ एनरोलमेंट हो। हमारा इसमें कैसे करेंगे, उसके दो तरीके हैं। आप पिवट टेबल डिजाइन में चले जाएं, यहां आपके सामने आएगा रिपोर्ट लेआउट, इसमें आप सो टेबुलर फॉर्म कर दें, या फिर राइट क्लिक करें और यहां पिवट टेबल ऑप्शन में आपके सामने इसमें डिस्प्ले में क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट है उसको सिलेक्ट कर दें, तो ये आपको इस तरह से अलग अलग दिखेगा, ठीक है, और ये आपके हर नीचे सब टोटल रहेगा, इस तरह से डेटा आपका होगा।
अब इसमें दिक्कत और भी है, जब इसको कॉपी करके फिर वैल्यू पेस्ट करते हैं तो वहां पे फिल्टर नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि यहाँ तो चलो पता है कि भाई पिवट टेबल है, तो पिवट टेबल पता है कि नोएडा के अंदर इतने सारे सब्जेक्ट की इतने डेटा है, लेकिन जब मैं इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर दूंगा तब क्या होगा, मैं यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब तो मैं अगर फिल्टर लगाऊंगा तो फिल्टर को तो ये समझ में नहीं आएगा ना कि नोएडा का ही ये सारा है, वो समझेगा नोएडा एक्सेल का है और सिर्फ इसी का डेटा फिल्टर करेगा। सो मैं चाहता हूं कि मेरा पिवट टेबल में नोएडा इस तरह से रिपीट हो जाए, ताकि मैं फिल्टर करूं कॉपी पेस्ट करने पे तो मुझे पता रहे कि हम नोएडा के ये है, या शॉर्ट करूं या कुछ भी करूं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज नहीं, डिजाइन में जाएंगे और रिपोर्ट लेआउट के नीचे आपको दिखेगा रिपीट और आइटम लेवल, इस पे आप क्लिक कर दें। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 2007 के वर्जन में नहीं मिलेगा, ये आपको 2007 के बाद वाले जो वर्जन है उसमें ही आपको दिखेगा, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसमें आ गई, तो मैं चाहता हूं कि ये टोटल ना दिखे, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, डबल डबल टाइम आ जा रहा है, तो मैंने इसको राइट क्लिक किया और यहां से सब टोटल सिटी को रिमूव कर दिया। अब ये हो गए, अब दोनों से रिपोर्ट में थोड़ा दिक्कत होता है कि इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता, मैं चाहता एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए, तो वे डिजाइन के इनमें जाए आप इंसर्ट ब्लैंक रो करें, इस तरह की आपकी रिपोर्ट हर एक आइटम के बाद एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगा। कभी कभी इसकी जरूरत होती है, कैसे जगह पर मैंने देखा है इसको, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते। अब बारी आती है कि मुझे वापस सबको रिमूव करना है, मुझे वापस इस सबको रिमूव करना है, तो कैसे करें, तो यहां हम जाएंगे इस पे पिवट टेबल डिजाइन पे, सबसे पहले तो यहां पे कर देंगे रिमूव ब्लैंक लाइन और यहां से हम कर देंगे डू नॉट रिपीट। मुझे रिपीट के जगह पे इनको मर्ज करना है आपस में, कि मैं चाहता हूं कि सारी के सारी डेटा इस तरह, तो इस तरह से आप मर्ज कर सकते। भवानी जी आप ऑनलाइन है, आप एक मेहमानी ऑफिस चलेगा, तो डायरेक्ट तो आप मर्ज नहीं कर सकते, तो मर्ज करने के लिए आपको पिवट टेबल पे जाना होगा और पिवट टेबल में पिवट टेबल ऑप्शन पे आना होगा, यहां पे मर्ज एंसेंटर विथ लेवल आप कर दें एंड ओके। ये देखिए आपका ये पिवट जो है मर्ज, इस तरह से अपनी रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा कि नोएडा में एक्सेस के 3 इनरोलमेंट हुई है, तो मुझे पता कर ये देखना है कि कौन कौन इनरोलमेंट किया है, मुझे इसकी डेटा चाहिए। तो जनरली डेटा के लिए क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगाने के बाद फिर उसको निकालेंगे, तो इसकी जरूरत नहीं है। आप क्या करें, डबल क्लिक कर दें, जैसे इसको आप डबल क्लिक करेंगे एक नई सीट में वो डेटा कॉपी होके पेस्ट हो जाएगा। इसका यूज जो है आप डेटा सेपरेशन में भी कर सकते थे, जैसे कि मैं इसको यूज करता था, तो काफी सारे मैं एक कंपनी में काम करता था जहां पे मैं डंप हैंडल करता था, तो मुझे क्या होता था कि अलग अलग लोकेशन के डंप भेजने होते थे, जैसे हमारे दिल्ली का डंप हम दिल्ली को भेज देते थे, पुणे का डंप हम पुणे को भेजते थे, तो हमारे पास जो डाउनलोड होता था वो ओवरऑल डेटा होता था, तो उसको कई सारे कंडीशंस में हमें फिल्टर करके फिर उसको कॉपी करना होता था। तो यहाँ फिल्टर करने में हमें फिल्टर कॉपी करने में काफी परेशानी होती थी, क्योंकि फिर बार बार वो चीज करना पड़ता था, तो हमने क्या किया कि इस पर पिवट टेबल लगा दिया और सारे फिल्टर और सारे कंडीशन हमने यहाँ पर रख दिए, बस हमें डबल क्लिक करते जाना है, नई सीट पर डेटा कॉपी हो जाता था। जब नई सीट पे डेटा कॉपी हो जाता था तो हम क्या करते थे, राइट क्लिक मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी, मूव कर देते कॉपी कीजिए और इसको एक नई फाइल में अलग कर देते, निकाल देते, क्योंकि उस समय हमें उतना ज्यादा एक्सेल आता नहीं था, तो फिर भी हम काम चलाते थे, करीब एक बात 9 या 10 साल पहले की है, नहीं उससे ही ज्यादा 2007 की है, तो मतलब कि आपका 13-12 साल पहले की बात है सर, तो इसका यूज आप कर सकते हैं।
लेकिन एक प्रॉब्लम होती है कि बहुत सारे लोगों का हैबिट होता है डबल क्लिक करते रहने का। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को रिपोर्ट देखते देखते सोचने के लिए डबल क्लिक जहाँ तहाँ करते रहते थे, कभी मेरी भी हैबिट थी, तो उनको दिक्कत होता था कि वो पिवट टेबल पे गलती से उन्होंने अगर डबल क्लिक कर दिया तो डेटा ऐड हो जाता है। सो मुझे इस फीचर को डिसेबल करना है, जो किसी के लिए यूजफुल है तो किसी के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमें इसको रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, डिस्प्ले डेटा, डेटा पे जाएंगे और यहां पे हम कर देंगे अनेबल शो डिटेल्स, अनेबल शो डिटेल्स एंड वापस इसको ओके करें। अब मैं कहीं भी डबल क्लिक करूं तो मेरे पास आप देखिए किसी तरह का डेटा नहीं आया। ओके, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। ये तो हमारी होगी समरी। अब बात करते हैं शॉर्टिंग की। अगर मुझे डेटा को शॉर्ट करना है तो मैं यहां राइट क्लिक करके शॉर्ट जेड टू ए और ए टू जेड कर सकता हूं सिंपली। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सिटी को यहां से रिमूव कर देता हूं। तो अब मैं यहां पर राइट क्लिक करूंगा और यहां से आप डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह की शॉर्ट होगी अगर सिंगल आपके पास है तो। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल्स फील्ड्स है, जैसे कि मान लीजिए अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, यहां पे मैंने सिटी को भी रख दिया तो दो फील्ड हो गए ना इसके। तो अगर इसकी सिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करता हूं तो हर फील्ड का सिटी ही शॉर्ट होगा हमारा, ये आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट शॉर्ट नहीं है। लेकिन मैंने सब्जेक्ट पे क्लिक करके और फिर हम यहां पे शॉर्ट किया, यहां पे क्लिक करके शॉर्ट किया, अब क्या होगा यहां पे शॉर्ट, तब क्या होगा कि आपका पूरा ये सिटी ये शॉर्ट होगा। मैं काम करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ, स्मॉल लार्जेस्ट तो शॉर्ट था ही था। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा था ऐसा ही रहेगा। इस तरह से डेटा को हम शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आपके वर्ड ओरिजिनली डेटा, जैसे मैंने मोड को रख लिया कॉलम में, तो हम मोड वाइज भी शॉर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक किया शॉर्ट, हमने इसको शॉर्ट कर, तो कॉलम के हिसाब से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो रो बाइज और कॉलम बाइज दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं। अब शॉर्ट के बाद हम बात करते हैं फिल्टर की। अब मान लीजिए मुझे इसमें से सिर्फ जयपुर का ही देखना है, तो मैं इस पे कर्सर रखूंगा और यहां सिटी पे जाऊंगा और यहां हम कर देंगे लेवल, यहां पे यहां से भी सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे जयपुर चाहिए। तो मेरे सारे सिटी के जयपुर के डेटा एक एक जगह को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन आपको लगाना है, तो ये आपकी वैल्यू फिल्टर है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, टॉप टेन। तो मैं टॉप टेन, तो मैं टॉप हर सिटी का टॉप थ्री सिटी चाहिए हमें, मैं टॉप थ्री सेलेक्ट कर लिया। अब हर इसका टॉप थ्री सिटी हमें दिखेगा। अब बोले जैसे टॉप थ्री तो नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि तीन के बहुत सारे है ना, इसलिए आएंगे। अगर इसने क्या किया टॉप थ्री निकाला लार्ज अमाउंट से, वन टू थ्री, और थ्री वाले जितने भी थे उन्होंने कर दिया, तो वैल्यू के अकॉर्डिंग वो मैच करता है। तो वैल्यू अगर सिमिलर, मान लीजिए कि टॉप थ्री निकालना है, लेकिन मान लीजिए कि पहले आपके सबसे हाईएस्ट 45 है, उसके बाद 40 है, और उसके बाद आपका 35 वाला 2 है, तो टॉप थ्री में आपके चार हाईलाइट होंगे, 40 वाले 45 वाला सबसे ऊपर आएगा, उसके नीचे 40 वाला, और फिर 35-35 के दोनों आएंगे। तो यहां तीन वाले जो थे वो सिमिलर थे, रिपीटेड थे, इसलिए यहां पर दिखा दिया। अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए कि मुझे मान लीजिए कि फिल्टर करना है, अब मैंने इस पर कर्सर रखा हुआ है, तो अब जो फिल्टर यहां वैल्यू पे फिल्टर करेंगे, तो वैल्यू पे फिल्टर करेंगे तो आपके जो टोटल नंबर्स हैं, जो आपकी वैल्यूज आई है, समरी आई है, उसके अकॉर्डिंग फिल्टर होगा। अगर आपने वैल्यू को क्लिक किया तो आपका वैल्यू के अकॉर्डिंग फिल्टर होगा।
लेकिन मान लीजिए कि मुझे यहाँ सब्जेक्ट को फिल्टर करना है, तो सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट पे फिल्टर होगा। अब जैसे कि मैं इसको राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन पे जाता हूँ और व्यू में आता हूँ इसमें डिस्प्ले में, और क्लासिकल पिवट टेबल में हटा देता हूँ, और फिर यहाँ डिजाइन में मैं एक काम करता हूँ रिपोर्ट लेआउट में इसको ले लेता हूँ। तो अब जो मैं फिल्टर करूंगा, तो मेरा कर्सर कहाँ है, मेरा कर्सर सिटी पे है, तो यहाँ पे आपको सिटी का लिस्ट दिख रहा है। अगर मेरा कर्सर या सब्जेक्ट पे चला जाएगा तो यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो कर्सर जहां है उसके अकॉर्डिंग आपका फिल्टर यूज होता है। तो फिल्टर जैसे आप कॉलम वाइज कर सकते, रो वाइज कर सकते हैं, ऐसे फिल्टर आप अपना कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमने गुलशन जी कैसे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आपको बुला लिया सर, ये पता ही नहीं रहता क्लास किस कब स्टार्ट होगी सर। सर आपकी क्लास मंडे टू फ्राइडे 8 बजे है, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो अगर मैं लेता हूँ तो जैसे कल मैं नहीं लिया था तो किसी को नहीं बुलाया था, आज लिया तो मैं सबको मैसेज दिया, जो फ्री है ज्वाइन कर लेंगे। ये आपकी बैच की क्लास है, ये एक्स्ट्रा क्लास है। व्हाट्सएप पे करते हो क्या सर मैसेज? व्हाट्सएप पे? हाँ व्हाट्सएप पे करता हूँ। आपने व्हाट्सएप भेजा? भेजा तो है आपको। मैं व्हाट्सएप पे सर, वो उस दिन भाई साहब था, बस व्हाट्सएप पे हूँ नहीं मैं, तो कोई नहीं कर लेंगे सर, फिलहाल पीसी से कर रहा हूँ सर, मैं ये फोन से किया था सर, ऐसे ही कर रहे हैं। तो ऐसे आप फिल्टर जो करेंगे आप अपने इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं फिल्टर, जो आपका ये है कॉलम की फिल्टर है, तो कॉलम वाइज भी अपना डेटा को फिल्टर किया जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, हमने सॉर्टिंग कर लिया, फिल्टर कर दिया, अब बात करते हैं मूव की, कि हम मूव कैसे करेंगे, तो मूव की जरूरत क्यों पड़ेगी, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हमने यहां देखा कि हमारा बी आई, मैं चाहता हूं मेरा बी आई सबसे टॉप पे आना चाहिए, सबसे लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको अल्फाबेटिक शॉर्ट करूंगा तो बी आई सेकेंड पोजिशन पे आएगा, टॉप पे नहीं आएगा क्योंकि ए बी से है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके मूव करूंगा, मूव बी आई टू बिगिनिंग, ये सबसे ऊपर आपका आ जाएगा, मूव बी आई टू बिगिनिंग, तो ये आपके सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से किसी को भी मूव आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ये मूव अप डाउन एंड ऐसे अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। उसके बाद सर एक क्वेश्चन, हाँ पूछिए, अगर मुझे ग्रैंड टोटल के हिसाब से अगर सॉर्टिंग करनी हो तो कैसे कर सकता हूँ? इसके हिसाब से सॉर्टिंग करनी है आपको, तो इस पे ऊपर जो कॉलम कॉलम ग्रैंड टोटल है, हाँ इस पे कर्सर रखिए शॉर्ट और लार्जेस्ट, अच्छा हो जाएगा। कॉलम वाइज करना, जहां कर्सर रखेंगे उसी हिसाब से होगा। तो इसके लिए वैसे ये फिल्टर वाला ऑप्शन तो आता नहीं है, लेकिन ये सॉर्टिंग कैसे हो रही है, कोई आपने कमांड टच करिए? नहीं, राइट क्लिक कीजिए, यहां सॉर्ट आता है, हर जगह पे सॉर्ट आता है। चलिए ठीक है, और फिल्टर के लिए यहां पे फिल्टर बना होता है, इस पे क्लिक कीजिएगा फिल्टर आपका होगा। तो मूव जो है हम रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, A to Z and Z to Z, इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, मूविंग, अगला ऑप्शन हमारा आता है, वो अगला ऑप्शन आता है ग्रुपिंग। अब चलिए हम ग्रुपिंग के बारे में सीखते हैं कि ग्रुपिंग आखिर होता क्या है। अब जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, सिटी को रखता हूँ, सब्जेक्ट हटा देता हूँ। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली और नोएडा है, दोनों अलग अलग है, मैं चाहता हूं कि दोनों एक हो, दिल्ली और एनसीआर, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहां ग्रुप पे चला जाऊंगा और यहां पे ग्रुप वन आ गया। मैं यहां पे इसको चेंज कर देता हूं दिल्ली एनसीआर, दिल्ली है एनसीआर, हो गया।
अब इसमें देखिए सिटी टू और सिटी है, तो सिटी टू को मैं रहने देता हूं, सिटी को यहां से रिमूव कर देता हूं, तो ये आपके सामने दिल्ली एनसीआर आ गया। इस तरह से आप टेक्स्ट को ग्रुप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम अपने नंबर को ग्रुप करने का। अब मुझे हमने क्या किया, हमने यहां पे स्कोर को रख दिया और यहां पे नेम लिखा। अब मुझे देखना है कि 10 क्या है, कि मुझे इसको मैच करना है कि 0 से 30 वाले, 30 से 60 वाले, 60 से 90 वाले और ग्रेटर देन 90 कितने कितने काउंट्स हैं। तो मैं राइट क्लिक किया, ग्रुप पे गया और यहां पे देखिए मिनिमम डेज और मैक्सिमम नंबर, इसी जगह पे अपने आप को चेंज भी कर सकते हो आप नंबर्स को, ये मिनिमम और मैक्सिमम उठा लेता है, आप चाहो तो अपनी हिसाब इसको चेंज करो। और ग्रुप कितना 10 होता है डिफॉल्ट, आप इसके जगह पे 30 कर दीजिए। अब देखिए तो 0 to 30, 30 to 59, 59 to 90 और 90 to 90। कैसे किया ये दोबारा बताओ। हमने राइट क्लिक किया, ग्रुप पे गए और यहाँ आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये बाय में 30 क्यों किया आपने, मतलब कि ग्रुपिंग कितना का होना चाहिए, कितना कितना नंबर्स पे एक जगह ग्रुप करेगा बिटवीन, तो 30 का समझा नहीं। ये भी देख रहे हैं आप 0 to 29, 30 to 59, 30 है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा अर्ली करूंगा तब पता चलेगा। हाँ, अब यहाँ पे देखिए हमारा 100 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 119 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे 100 से 90 से जो भी बड़ा होगा वो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, क्योंकि अभी मैक्सिमम 100 दिया हुआ है। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैं इसको ग्रेडिंग करना चाहता हूँ कि सी, यहाँ पे हमने यहाँ पे डी सी बी और ए, इस तरह से मुझे यहां करना पड़ता तो हम यहां पे कर। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, क्या आप मान लीजिए कि 0 टू 30 होगा, अब 30 टू 50 होगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, सब में बराबर होना चाहिए तो ग्रुप करेगा। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि अब हमने जब देखा, जैसे कि यहां पे समझ लीजिए ना कि एक मिनट में रिपोर्ट बनाता हूं दोबारा से, तो बताता हूं आपको मैं। हमने मान लीजिए कि यहाँ पे स्कोर को यहाँ रखा, बाय डिफॉल्ट ग्रुप है क्योंकि पिवट को रीड करता है, मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ। अब इसमें मान लीजिए मैंने काउंट दे दिया, तो मुझे पता चल गया कि 10 वाले 10 का स्कोर एक बंदे का आया है, 11 को दो एक का आया है, 12 वाले दो बंदे हैं, तो इसको इस तरह से देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना सर। क्या स्कोर मतलब कि रिजल्ट हुआ कि 10 नंबर लाने वाले एक पर्सन है, 11 वाले दो पर्सन है, 12 से 3 पर्सन लिया है, इस तरह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको एक स्लैब कर लेते हैं कि राइट क्लिक किया ग्रुप और हमने यहाँ पे स्लैब बना लिया, तो स्लैब वाइज मिल गया, तो फिर देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाता है, रिपोर्ट थोड़ा समझ ही जाता है। इसका यूज हम लोग अपने इसमें भी करते हैं, बहुत सारे जो सेल्स के आइटम्स होते हैं। एक बार मैं सेल्स का डेटा ओपन करता हूँ, मोटा मोटा सारे 10 की रेंज में दिखाएंगे फिर, है ना, 10 का जितना डालोगे उतना आपका आएगा। इसे देखा देखिए, अब यहाँ पे हमने हमारे पास क्वांटिटी का, अब मान लीजिए कि मुझे एनालाइज करना है कि हमारे पास मैक्सिमम किस रेंज की क्वांटिटी आते हैं, समझे। मान लीजिए मुझे पैकेजिंग करना है, हमें क्या करना है, पैकेजिंग का एक ऐसा स्टैंडर्ड पैकेजिंग निकालना है, तो हमें पता, मान लीजिए कि कंपनी जाए और कंपनी ने क्या किया कि 10 का बंडल बना दिया, लेकिन वो देख उसने जनरली उसके पास इसने नहीं देखा कि उसके पास जनरली 12 का ऑर्डर आता है, तो जो सेल्स पर्सन है उसको काफी दिक्कत होगा ना, कस्टमर दो के लिए 12 खरीदने हैं तो इसलिए नुकसान होगा, खाए तो आपके सेल जो सेल करने वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पैकेट फाड़ के 12 देना पड़ेगा, तो पैकेट फटने के बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है आपका उसकी डेकोरेशन और स्टैंडर्ड क्वालिटी या खराब होने के साथ पैकेट फटने के बाद खराब होने के चांसेस हो गए। दूसरी चीज कि ऑर्डर मैक्सिमम 12 का ही आ रहा है लेकिन डीलर
पैकेट दूसरा ना फाड़े इसके लिए 10 ही दे रहा है, क्योंकि 12 के जगह पे कोई 20 नहीं लेगा, कोई 8 हो सकता है कि हर कोई 2 कम ले ले, लेकिन 8 ज्यादा लेने की कोई नहीं ले पाएंगे। क्या हम लोग भी अगर जाते हैं, अब मान लीजिए कि हमें 12 किलो लेने हैं लेकिन 10 का ही हमें पैकेट मिल रहा है, तो हम तो ही बोलेंगे मुझे 12 लेने हैं तो एक काम करो तो 20 दे दो, हम 2 कम भी ले लेंगे तो चलेगा। तो अब पैकेजिंग के लिए डेटा को एनालाइज करना होगा कि हमारी ऑर्डर जो है किस क्वांटिटी में आता है, ताकि हम उसी हिसाब से पैकेजिंग करें, ताकि हमें पैकेज फाड़ने ना पड़े। अगर कोई 12 स्टैंडर्ड क्वालिटी अगर 12 बिक रहा है, ऑर्डर मैक्सिमम 12 बिक रहा है, तो कस्टमर जो है 15 का बंडल बना सकती है कि कस्टमर को 12 की जगह पर 15 खरीद लेगा, 3 ऊपर 12 की थी लेकिन 3 उसका एक्स्ट्रा सेल हो गया। तो एज इन पैकिंग करने पे कस्टमर कंपनी को बेनिफिट्स है कि उसके 3 फाड़े कस्टमर मजबूरी में खरीद लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी ग्रुपिंग से एनालिसिस कर सकते हैं कि हम ग्रुप कर देते हैं, मान लीजिए हम 10 का ही ग्रुप कर देते हैं, तो हमें पता चल जा रहा है हमारे पास किस रेंज का सबसे ज्यादा सेल्स आ रहा है। जैसे हमने देखा कि हमारे पास 76 से 85 के बीच में सबसे हाईएस्ट सेल, तो हम 80 का 80 से 90 का भी 80 से 90 का पैकिंग तैयार कर सकते हैं, तो हमारा सेल अच्छा खासा होगा। या हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक मिनट किसी सो रहा है ग्राउंड से, तो हम कर सकते हैं कि हम कई तरह के पैकेजिंग करें, हम 50 से 60 वाले करते हैं, 70 से 80 वाले करेंगे, ऐसे पैकेजिंग तैयार करेंगे। तो एक कंपनी को इस इंफॉर्मेशन मिलेगा तो एक कंपनी अपने लिए पैकेजिंग सुधार सकता है। या फिर इसका यूज हमने एक जगह पे किया था, कंपनी को क्या हुआ था कि हमारी कंपनी थी वो हायरिंग प्लान कर रही थी, तो कितना हायरिंग करें, तो कंपनी को यदि जरूरत होती थी उसके हिसाब से हायरिंग करती थी। कंपनी बहुत बड़ी थी, ICI थी, इंडियन केमिकल इंडस्ट्री थी, तो हमने उनको बताया कि ऐसे आप किस कितना भी कैसे हायर करेंगे, अपने पास बैकअप तैयार करने के लिए एक ए होना चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो पोस्टर हमारे पास समझाया कि बताओ क्या करें, तो हमने एक तैयार किया, मान लीजिए हमारा एज है, एज में हमारे पास 18 साल से लेके ये हमारा एज की एम्प्लॉई। तो हमने इस ग्रुपिंग मेथड से उनको एक चीज समझाया था और कंपनी को फायदा हुआ था, इसे हमने इस पे पिवट लगाया, हमने यहाँ पे एज को डाला, यहाँ पे काउंट ऑफ नेम को डाला। और ग्रुप पे आने के बाद हमने 18-7 और हमने 10-10 का ग्रुप कर दिया। अब देखिए, हमने बोला कि बॉस देखिए आपके 14 स्टाफ जो है वो रिटायरमेंट के करार पे है, रिटायर करना पड़ेगा क्योंकि 57 साल के हैं, तो रिटायर होने वाले हैं। 48 से आपके 33 ऐसे क्लाइंट है जो कि वॉलंटियर रिटायरमेंट ले सकते हैं, जिन्हें लोग 50 साल के बाद रिटायर होने का सोचते हैं, और आपके पास 30 ऐसे क्लाइंट है जो कि अपनी जॉब कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 18-27 साल का जो एज होता है वो जॉब अनस्टेबल होता है, एक अच्छे मैंने बेटर जॉब की हो बेटर अपॉर्चुनिटी तलाश करते रहते हैं। 28 से लेके 47 वाले ऐसे इंप्लॉई है, ये छोड़ के नहीं जाएंगे, ये बाल बच्चेदार आदमी है, इनके ऊपर प्रेशर है, ये जॉब एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे और एक दिन भी ऑब्सेंट हो ना होने के चांसेस हैं। तो आप अगर हायरिंग प्लान कर रहे हैं सबसे पहले तो आप 14 का बैकअप तो रखें ही रखें, साथ में 30 ऐसे स्टाफ है जो कि आपका इसका एट्रिशन काउंट निकालें कि कितने ऐसे एम्प्लॉई है जो कि किस ईयर के किस एज की एम्प्लॉई है। इसके इसलिए हमने एक और डेटा तैयार किया था कि किस ग्रुप ऑफ एज की एम्प्लॉई है जो सबसे ज्यादा एट्रिशन होता है, मतलब कि नौकरी छोड़ के जाते हैं। तो वहां मैंने पाया था कि वो 30 साल से जितने नीचे वाले हैं वो मोस्टली जो है उसमें 60% का एट्रिशन है। किसी जो बंदे ज्वाइन करते हैं 30 साल से नीचे वाले
उसमें 60% छोड़ देते हैं जॉब, 40% ऐसे होते हैं जो आगे कंपनी में आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से 30% तो आपको नौकरी छोड़ ही देंगे, ये आपको आपको रिटायरमेंट देना पड़ेगा, और इसमें से भी आपको रिटायरमेंट जो है इसमें से भी मतलब कि तकरीबन 20-30% ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 40-45 साल के बाद वो अब जॉब छोड़ के बिजनेस तलाश करते हैं, कोई बिजनेस को सेटअप करें, तो वो लोग हैं। तो बॉस को इन अच्छा लगा तो अपना बैकअप प्लान करने के लिए एम्प्लॉय की हायरिंग की प्रोसीजर उसी तरह से वो चलाने लगे ताकि कंपनी में स्टाफ की शॉर्टेज ना हो। ठीक है सुनील जी, समझ में आया कि नहीं? जी हाँ। अच्छा जी, अब मीटिंग जो है बंद होगा, दोबारा से रीस्टार्ट होगा, दोबारा से आपको ज्वाइन कर लीजिएगा, एक मिनट में बंद। ठीक है, ठीक है सर, ध्यान रखना, 8-10 तक करनी है हमें ट्रेनिंग। ठीक, आगे डेटा बनाता हूं। इसमें डेट भी ऐड करते हैं। तो डेटा में मैंने यहां पे डेट को ऐड कर दिया, राइट। अब मैं इसमें पिवट लगाता हूं, अब मुझे ग्रुप जो करना है वो डेट वाइज करना है। सर रिकॉर्डिंग अलाउ कर दो। तो मुझे ग्रुप जो करना है वो डेट वाइज करना है। सर रिकॉर्डिंग अलाउ कर दो। कर दिया सर। सॉरी सर, वीडियो में डाल रहा हूं। ओके, तो यहां पे हम बात करने जा रहे हैं ग्रुपिंग का। तो ग्रुपिंग में हमने डेट को लिया, तो डेट जैसे यहां पर रखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ग्रुप हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, क्योंकि मैं इस फाइल में कई सारे पिवट लगाया हूं तो ग्रुप किया हूं तो पिवट समझ गया है तो ग्रुप कर रहा है। अदरवाइज इस तरह से आपके पास सामने डेट आएगा, अब मुझे इसको मंथ वाइज ग्रुप करना है। तो मैं राइट क्लिक किया और यहां पे गया ग्रुप, और ग्रुप में हमने इसको मंथ को सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया, तो ये हमारी मंथ वाइज ग्रुप हो गया। नहीं तो क्या करना होता कि डेटा में जाके यहां आपको मंथ कैलकुलेट करना होता, लेकिन आप विदाउट मंथ कैलकुलेट किए यहां रख सकते हैं। अब मंथ ही क्या, आप यहां ग्रुप में मंथ और क्वार्टर सिलेक्ट कर लीजिए, आपका मंथ और क्वार्टर ग्रुप हो जाएगा। आप यहां ग्रुप में जाइए, यहां ईयर ले लीजिए तो ईयर ग्रुप हो जाएगा इस तरह से। यानी मुझे ग्रुप करना है हर 15 डेज का, तो यहां पे मैंने 15 डेज डाल दिया, तो 15 डेज का हमारा ग्रुप हो गया, हर 15 दिन का ग्रुप हो गया। लेकिन इसका यूज हम लोग करते थे आवर्ली रिपोर्ट निकालने या हाफ आवर्ली रिपोर्ट, आवर्ली रिपोर्ट निकालने। क्या हुआ था कि यहां पर तो डेट में हम ऐड कर देते हैं। सर एक बात बताओ, हाँ, मान लो आज जैसे आज तारीख होगी 23-24 तारीख होगी और मुझे हर हफ्ते अगर ट्रेंड देखना है तो भी मैं ये ग्रुपिंग करके निकाल सकता हूँ। जैसे कलेक्शन कर दीजिए, हर 7 दिन का डेट को ग्रुप कर देगा, निकाल सकता हूँ ना? हाँ सर निकाल सकते हैं। ओके यहाँ पे राइट क्लिक करके 15 दिन डाला, 15 दिन के बाद 7 दिन डाल दीजिए आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप और मैं यहाँ पे 15 डेज के बाद 7 डेज डाल दिया था, हर 7 दिन की ग्रुप दिखेगी। लेकिन आप चाहोगे कि मुझे मंडे टू फ्राइडे का सिस्टम करे, वो नहीं, वो डेट की सिस्टम करेगा, 1-7, 8-14 इस तरह से करेगा।
मैं डेटा को थोड़ा सा डेटा में थोड़ा सा एडिशन करता हूँ इसमें। मैंने यहाँ पे डेट और टाइम का एक कॉलम बना लिया। मुझे यहाँ पे आवर्ती रिपोर्ट चाहिए कि हर हर दिन या हर डेट में। मैं काम करता हूं उसमें, मुझे इसमें आवर्ती रिपोर्ट निकालना है। अब मैं पिवट टेबल में जाता हूं और इसमें जाता हूं। सबसे पहले तो मैं एनालाइज में जाता हूं और यहां चेंज डेटा सोर्स, और फिर हम यहां से अपने डेटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। वापस डेटा को रीसेलेक्ट करते हैं ताकि फील्ड जो है आ जाए, और यहां डेट को हटाते हैं, डेट एंड टाइम में रखते हैं। ग्रुप पे जाते हैं और यहाँ पे मैं आवर मिनट सेकेंड सब हटा देता हूँ। ऐसे मान लीजिए आपको आधे घंटे गैप चाहिए तो इसमें नहीं डाल सकते मिनट, आधे घंटे गैप यहाँ पे नहीं कर सकते आप। आवरली कर सकते हैं, आवरली कर सकते हैं आप। यहाँ पे हर आवर का, हर मिनट का या सेकेंड का, तो आवरली हम यहाँ पे देते हैं। तो ये हमारे हर आवर का डेटा आपको सामने दिख रहा है कि ये रात के 12 बजे से लेके रात के 11 बजे तक का, अगले दिन रात के 11 बजे तक का पूरा डेटा आपको। लेकिन ये ऑल डेट का है, मुझे पर्टिकुलर डेट वाइज चाहिए, तो मैं ग्रुप में जाता हूं, यहां पे डेट आवर और डेज को सिलेक्ट कर लेता हूं। और आप डेट जो है आपका उसको आप फिल्टर में रख दीजिए, तो आपका फिल्टर भी आप एक कॉलम में रख दीजिए, तो आपके कॉलम में आएगा कि हर दिन कितना बजे कितने कॉल्स आए हैं। और ये ब्लैंक है, इसको जीरो करना है, तो राइट क्लिक कीजिए, पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए और यहां सो इम्पटी शेप ब्लैंक के जगह पे जीरो कर दीजिए, आपके सामने जीरो हो जाएगा। या फिर जीरो के जगह पे अगर कोई टेक्स्ट शो करना चाहते हैं कि नो कॉल, तो आप ही पिवटेबल ऑप्शन में आए, यहाँ जहां जीरो लिख रहे जरूरी जीरो ना लिखे आप यहाँ पे, सॉरी पिवटेबल ऑप्शन यहाँ से नो, जो भी लिखना है लिख सकते। ओके, समझ आया सर आप लोगों को? कोई डाउट इसमें? जी सर, ये पिवट टेबल का पार्ट वन था। पिवट टेबल के टोटल 3 पार्ट होंगे। अगला पार्ट हमारा कैलकुलेशंस और एक्सटर्नल डेटा सोर्स वगैरह होगा, पिवट टेबल की बाकी सारी चीजें होगी। फिर उसकी अगली पार्ट हमारा स्लाइसर, पावर पिवट, पावर क्यूरी वगैरह पे होगा। ठीक है, तो हमने पहले ही बोला था कि पिवट को थोड़ा स्लोली सीखेंगे, तो आज इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पिवट टेबल की कैलकुलेशन वाली पार्ट, लेकिन उससे पहले सारी चीजों पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ में एक हम प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे अगली क्लास में। हाँ जी, ठीक है सर, आई थिंक ये बहुत बेनिफिशियल है पिवट टेबल, क्योंकि मेरा पिवट टेबल का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा, मुझे वैसे प्रॉब्लम आएगी इसमें तो मैं आपको बीच में थोड़ा डिस्टर्ब भी करूंगा सर। कोई बात नहीं, हमेशा हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।